मनुष्य ने दिल्ली आरपीएफ कांस्टेबल और मुजफ्फरनगर में भतीजी फरारों पर महिला को एसिड फेंक दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज कराया। दिल्ली रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की एक महिला कर्मचारी पर कथित तौर पर शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जनसत में एसिड पर उसके पति ने हमला किया था। उसकी भतीजी जो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे उस पर भी हमला किया गया था। पति भाग गया और फरार होने के बाद से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में एक मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। पीड़िता आरपीएफ में एक कांस्टेबल और उसकी भतीजी को जिला अस्पताल में एक गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। दैनिक जागरण के अनुसार जिला अस्पताल में स्थानांतरित होने से पहले दोनों को पहले एलओएल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डो अजय कुमार ने हिंदी दैनिक को बताया कि महिला को 20% जलने से पीड़ित है, जबकि उनकी भतीजी में 40-50% जलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ दिनों के दौरान युगल के बीच कुछ तनाव था। जब महिला घटना हुई तो महिला अपने माता पिता के घर चिताउदा गांव में रह रही थी।